नमस्कार दोस्तों, हम अगली पोएम की बात करेंगे जो कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। तो यह है कविता वाली उत्तरकांड से ली गई है। तो हम जान लेंगे तुलसीदास कौन थे। तो जो गोस्वामी तुलसीदास थे उनका जन्म सन 1932 में बांदा के उत्तर प्रदेश में बांदा जो गांव डिस्ट्रिक्ट है वहां पे हुआ था। तो वह राजापुर गांव में पैदा हुए थे। उनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वो रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, गीतावली है, श्री कृष्ण गीतावली है, कुछ ऐसे ही अनेक हैं। तो उनका जो निधन हुआ था सन 1623 काशी में हुआ था। तो अब हम बात करेंगे इनकी पोयम की जो कि है कविता वाली जो कि उत्तरकांड से ली गई है। तो पहले हम इसकी कुछ विशेषता जान लेंगे काव्य। तो इसमें जो है एक श्लेष का उपयोग किया गया है जिसमें एक शब्द के दो दो अर्थ हमारे सामने निकल के आ रहे हैं और इसमें व्रज भाषा की बोली है और ये भक्ति काल का प्रयोग है और तुकांत और छंदमुक्त है और इसमें करुणरस और शांतरस दोनों का प्रयोग किया गया है। तो जैसा कि आप पहली लाइन देख रहे होंगे इसमें लिखा है किस भी मतलब किसान कुल बनिक भिखारी भाट। तो यहाँ पे किस भी मतलब धंधा या फिर बनिक मतलब बनिया और भाट मतलब जो रोटी प्रशंसा से करके रोटी कमाने वाला इंसान जो कि राजा के साथ होता था। चाकर मतलब नौकर, चप्पल नाट चंचल, तो यही बताया चोर चकार चटेकी, ये सब जो एक धंधे के नाम बताए हैं कि ऐसा धंधा है। और पेट को पढ़त गुण गाढ़त चढ़त गिरी अटक गहन गुण अहन अखेटी की ऊँचे नीचे करम धर्म अधर्म करी पेट ही को पचत बेचत बेटी बेट की तुलसी बुझाए एक राम घनश्याम की ही ते आगे बढ़ावे गीते बड़ी है अग्नि पेट की। तो तुलसीदास जी इस पूरी लाइन में बताना चाह रहे हैं कि इस संसार में मजदूर हो या किसान वर्ग हो या व्यापारी हो या भिखारी हो या चरण हो या नौकर हो या चंचल चार नट हो या फिर चोर हो या फिर दूत हो या फिर बाजीगर हो, ये सब जो अपने पेट भरने के लिए अनेक काम करे आ रहे हैं। कोई पढ़ता है तो कोई अनेक तरह के कलाएं सीखता है, तो कोई पर्वत पर चढ़ता है, तो कोई दिन भर गहन जंगल में शिकार करने के लिए अपने पेट की आग बुझाने के लिए घूमता ही रहता है। तो ये सब काम करते रहते हैं। तो पेट भरने के लिए कोई भी चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा काम हो उसको लोग करते हैं और कई सारे लोग इसके लिए पेट भरने के लिए धर्म अधर्म का विचार नहीं करते हैं। वो सीधे कोई काम कर देते हैं चाहे उसमें अधर्म भी हो तब भी कर देते हैं ताकि वो अपना पेट कहीं ना कहीं से भर लें। तो पेट के लिए वे अपने बेटी बेटा को भी बेचने के लिए विवश हो जाते हैं। तो तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं कि अब ऐसी आग भगवान राम रूपी बादल ही बरसा देते हैं, जैसे कि इसमें लिखा है घनश्याम, तो कि जो राम रूपी बादल हैं वही अब इसकी आग बुझा सकते हैं क्योंकि पेट की आग जो है वो तो समुद्र के आग से भी भयंकर है, उसको सिर्फ तभी बुझ सकता है जब घनश्याम की प्रार्थना हो, मतलब राम की प्रार्थना की जाए और राम रूपी बादल बरसाएं और खेती हो, तभी ऐसे इनका पेट बुझ सकता है। तो आगे कहते हैं तुलसीदास जी, खेती ना किसान को भिखारी को ना भीख बली बनिक को बनीज ना चाकर को चाकरी जीविका बहीन लोग सिद्धमान सोच बस कहें एक एकांत सो कहाँ जाई का करी बेदहू पुराण कही लोकहूँ बिलोकियत सकारे सबे पे राम रवारे कृपा करी दरिद दसानन दबई दुनी दीन बंधु दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। तो अगले क्या कहते हैं तुलसीदास, कहते हैं कि ये अकाल जो है ये एक भयानक स्थिति है। इस समय किसान की खेती नष्ट होती जा रही है क्योंकि बारिश हो नहीं तो उसकी खेती नष्ट हो रही है। तो खेती से उन्हें कोई लाभ नहीं मिल पा रहा, कुछ नहीं मिल पा रहा ना खाने भर के लिए। तो कोई भिखारी मांग कर अपना किसी चाहे तो कर पाए पालन, पर उसे भीख भी कोई नहीं दे पा रहा। तो और बताते हैं कि कोई बल्कि भोजन भी नहीं देता। तो व्यापारी जो है व्यापार का साधन नहीं मिलता, जैसे कि खेती होगा तभी तो कुछ निकलेगा अनाज होना तभी तो बेचेंगे। जो नौकर है उसको नौकरी नहीं मिल रही क्योंकि अगर फसल कटाई हो
तो इसमें उसको नौकरी मिलेगी क्या पता। तो इस प्रकार चारों तरफ जो है वो बेरोजगारी है, उसमें जीविका का आजीविका का कोई साधन नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं। तो इसी कारण लोग बहुत दुखी हैं, चिंता में डूबे हुए हैं। वे एक दूसरे से पूछते हैं कहाँ जाएँ, क्या करें। ये वेदों पुराण ने कहा है और लोग में भी ऐसा देखा है कि जब जब भी संकट की उपस्थिति हुआ तब तब राम ने सब पर कृपा की है। तो आज हमारे देश में कोरोना वायरस चल रहा है, इसकी भी कोई ना कोई इसका समाधान करेंगे राम जी। तो हे दीन बंधु, इस समस्या का जो दरिद्र रूपी रावण है, जो रावण से तुलना की गई है इस कोरोना वायरस की भी, तो उसके जो समुच्चय संसार हैं वो त्रस्त कर रहा है, उससे परेशान है। तो सभी लोग गरीबी से पीड़ित हैं। तो आप तो पापों का नाश करने वाले हैं, तो चारों तरफ जो हाय हाय मची है, जिसकी पूरी जैसे कि रावण ने किया था, उसी तरह आप भी इस गरीबी का नष्ट कर दें रावण की तरह। तो आगे कवि कहते हैं तुलसीदास जी कि धूत कहो अवधूत कहो, राजपूती कहो या जेलहा कहो, कहूँ की बेटकी से बेटा का ब्याह, कहूँ का जाति बिगड़ ना सोऊं, तुलसी सरनाम गुलामू है राम को, जाको रुचे सो कहे, कहूँ आओ मांगी के खाबो, मसीद को सोईबो ले बो को एकू कना दोईबो दोऊ का। तो कबीर समाज के ऊपर अपनी बताते हैं कि समाज में व्यस्त जातिवाद धर्म का खंडन करते जा रहे हैं, उसको बांटते जा रहे हैं कि वह श्री राम का भक्त है, ऐसा कह रहे हैं लोग, इसलिए वो श्री राम का नाम जप रहा है। तो तुलसीदास को लोग ऐसा मान रहे हैं। तो आगे कहते हैं कि समाज में चाहे मुझे अवधूत कहो या फिर धूत कहो या फिर पाखंडी कहो या सन्यासी कहो या फिर राजपूत कहो या फिर जुलाहा कहो, जो एक बुनाई का काम करते हैं उसकी जाति है, उससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मुझे अपनी जाति या अपने नाम की कोई चिंता नहीं, क्योंकि मुझे मेरी बेटी की किसी बेटे के साथ शादी नहीं करानी, तो इससे किसी की जाति नहीं बिगड़ेगी, तो इसलिए मुझे कुछ भी कहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुलसीदास का ये कहना है कि वो राम के गुलाम हैं और उसके पूरी वो उनके ऊपर संपत्ति है राम के, और चाहे वो उनके बारे में अच्छा कहो या चाहे बुरा कहो, उनको कोई फ़र्क नहीं है। मैं मांग सकता हूँ, मैं मांग कर खा लूँगा, मस्जिद में सो जाऊँगा, मुझे किसी का ना एक लेना है ना किसी का दो देना है। तो यही कहते हैं कि कभी कोई संबंध नहीं है मुझे, किसी से संबंध नहीं है समाज से, और वह सिर्फ पूरी तरह राम की संपत्ति हैं, राम के भक्त हैं। तो कबीर जो हमारे तुलसीदास जी यही कहते हैं कि वो राम के पूरे तरह से हैं, वो किसी का ना एक लेंगे ना किसी का देंगे। तो यही बात हमारे तुलसीदास जी इस कविता में कहते हैं। तो मेरी कविता यहीं समाप्त हो रही है। अगर आपको पसंद आओ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम पर मैसेज ज़रूर दे दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई कर दूँगा।